दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल अलजज़ा में। कैसे हैं आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों जो आज की मैं वीडियो लेके आया हूं, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या कतर का विजिट वीज़ा, ऑन अराइवल वीज़ा लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और इसके बारे में मैं आज आपको फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि बहुत से लोगों का सवाल था कि शायद नहीं निकल रहा है विजिट वीज़ा, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसको मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूं कि निकल रहा है या नहीं। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं और गर्ल्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी पाना चाहते हैं या जॉब पाना चाहते हैं, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मैं अपने मुस्लिम व्यूवर से गुजारिश करना चाहता हूँ कि प्लीज़ दोस्तों नमाज़ पढ़ना शुरू करें। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग को मालूम होगा कि कतर में विजिट वीज़ा, ऑन अराइवल वीज़ा, फैमिली वीज़ा ये सब को खुले हुए तकरीबन एक महीना हो चुका है और ये सब चीज़ें चालू हैं, निकल रही हैं। पहले यहाँ एप्लीकेशन नहीं हो रही थी, लेकिन दोस्तों अगर हम लोग अभी की बात करते हैं कि विजिट वीज़ा, इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट करी जा रही है। ऑन अराइवल वीज़ा, इसमें आपको जा सकते हैं, ठीक है। और फैमिली वीज़ा, इसकी भी एप्लीकेशन हो रही है, फ़्लाइटें भी लोग ले रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान में रखें कि अगर आप लोग को कतर जाना है तो आप लोग जा सकते हैं। इस वक्त विजिट वीज़ा, फैमिली वीज़ा, ऑन अराइवल वीज़ा पे आपको मुश्किल नहीं होगी। बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपको दोनों डोजेज वैक्सीन की लेनी पड़ेंगी MOPH के द्वारा सर्टिफाइड, और इसके अलावा दोनों डोजेज लेने के साथ साथ आपको 14 दिन कम्प्लीट हो जाने चाहिए, तभी आपको वहाँ पर एंट्री मिलेगी। और उसके अलावा आपको एंट्री दोस्तों नहीं मिलेगी कतर में। तो दोस्तों यही आज मैं आपको बताना चाह रहा था। उम्मीद है कि मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने व्यूज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं मिलूंगा दोस्तों आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। टेक केयर, गुड बाय।